आज आसमान भी रो रहा है, आज जमीन भी रो रही है, ये मैदान का एक एक पत्ता रो रहा है, ये मिंबर ये मेहराब रो रहे हैं कि जब नेक आदमी रोता है दुनिया से उठता है तो कायनात उस पर आंसू बहाती है। और ये वो हस्ती थे कि जिनको हमने 50 साल तो मैंने देखा अल्लाह के दीन के लिए तड़पते रोते मचलते, ये इतना बड़ा जम्म गफीर, ये इतना बड़ा अल्लाह के बंदों का मजमा। मेरे भाइयों, ये उस बंदे की अल्लाह के यहाँ कबूलियत की निशानी है। आओ हम मिलकर उस बंदे को अल्लाह के हवाले करें, अल्लाह के सपुर्द कर दें, अपने आंसुओं के साथ, अपनी आंखों के साथ, अपनी दुआओं के साथ। ऐसे बंदे सदियों में पैदा होते हैं, मेरे रब ने उन्हें चुना, हम सब उनकी औलाद बैठे हुए, ये उन्हीं का सारा लगाया हुआ बागीचा है। लेकिन ये जल चलाओ का जहान है, यहाँ अल्लाह ने अपने हबीब को भी उठा लिया, तो हम और आप तो सब बहुत छोटे दर्जे के हैं। जाना तय है, किस तरह जाएं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। उस मुझे कभी बोलने में रुकावट नहीं हुई, लेकिन आज मेरे पास ना अल्फाज जोड़ रहे हैं ना मेरे पास कोई मजमून जोड़ रहा है, मैं सिर्फ यहाँ बैठकर चंद आंसू बहा सकता हूँ। और इस सारी फिजा सोगवार और ये सारी मैदान की एक एक इसका जर्रा जो उस शख्स के 50 साल से नगमे सुन रहा था, दर्द भरे नौहे सुन रहा था, अल्लाह ताला उनको जिवार रहमत में जगह नसीब फरमाए। हम सब ने जाना है और सबका जाना तय है। इमाम अली का फरमान है, अल मौत लैस मिनहुल फौत, इन अकमतुम लहू अखज़कुम व इन फ़ररतुम मिन्हु अदरककुम, फलवहा फलवहा अन नजा अन नजा। Okay,